इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं पावर डायरेक्टर के अंदर अगर आपको इस तरीके से दिखता है आप प्रोडक्शन वगैरह वगैरह के इस टॉपिक रनिंग बैकग्राउंड में अगर यूज़ नहीं हो पाता है तो उस इशू को हम कैसे सॉल्व कर सकते हैं ये मैं आपको बताने वाला हूँ। तो वीडियो को आप पूरा ज़रूर देखिएगा, तो वीडियो को पूरा एंड तक देखिएगा तभी आपको समझ में आएगा। ठीक है, जब ये इशू आता है तो आपको क्या क्या करना चाहिए। तो देखिए, सबसे पहले तो आप प्ले स्टोर में जाइए और पावर डायरेक्टर को सर्च कर लीजिए। ठीक है, और सर्च करने के बाद अगर यहाँ पर आपको अपडेट मिलता है तो सिंपली सबसे पहले अपडेट कर लीजिएगा। सबसे पहले आपको अपडेट ही करना है अगर अपडेट आए तो, उसके बाद बैग ला दीजिएगा यहाँ से। फिर आपको क्या करना है, सेटिंग्स में जाना है और सबसे पहले तो स्टोरेज चेक कर लेनी है कि स्टोरेज कितनी खाली है। कम से कम 2 GB खाली रहनी चाहिए जितना एक्सपोर्ट आप कर रहे हैं उसके हिसाब से। फिर ऐप्स और नोटिफिकेशंस को खोल लेना है, CLFs को खोल लेना है और यहाँ पर पावर डायरेक्टर को फाइंड कर लेना है, उसे खोल लेना है, फोर्स स्टॉप कर देना है यहाँ से। अब यहाँ पर मेन सेटिंग्स आती है कि स्टोरेज की परमिशन को आपको अलाउ कर देना है और फिर यहाँ पर आपको क्या करना है कि जो भी आप मटेरियल एक्सपोर्ट कर रहे हैं उसकी सारी फाइलें आपके पास होनी चाहिए वरना दिक्कत आ जाएगी। और बैकग्राउंड में कोई सी भी रनिंग ऐप चलती हुई ना होनी चाहिए, जैसे कि ये वाली ऐप चल रही है तो इसको फोर्स स्टॉप कर दीजिए इस तरीके से। तो आपको इतना ही करना है, फिर अपने फ़ोन को बंद करके खोलिएगा तो ये जो इशू आ रहा होगा फिर वो देखने को नहीं मिलेगा। तो ये प्रोसेस रहता है इसका। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा।